केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट और रिसर्च में भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। साथ ही में कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा, प्रभावशीलता और साथ ही में प्रतिरक्षात्मकता को लेकर भारत सरकार किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। दुनिया में किसी से भी, पहली बात तो यह है कि भारत वैक्सीन के डेवलपमेंट की दृष्टि से, वैक्सीन के रिसर्च के मामले में किसी से भी कम नहीं है और किसी से भी पीछे नहीं है। जहां तक पहली वैक्सीन को मिलने का सवाल है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए, इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटा को स्टडी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक जनवरी 2021 के किसी भी सप्ताह में भारत में कोरोना वैक्सीन लॉन्च हो सकती है और भारत के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगने की भी शुरुआत की जा सकती है। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। जनवरी 2021 के किसी भी सप्ताह में जब कोरोना वैक्सीन लॉन्च होने जा रही है, तब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक करीबन 30 करोड़ नागरिकों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जा सके उस तरह की योजना बनाई जा चुकी है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी सबसे पहले हैं जो सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं, उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले टीकाकरण किया जाएगा, जिसके बाद फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो हैं उनका टीकाकरण होगा और बाद में 50 साल से ऊपर के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का टीका दिया जाएगा, जिसके बाद 50 साल से नीचे के नागरिक जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त है उनको कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। भारत सरकार ने प्रायोरिटाइज किया एक्सपर्ट्स के ग्रुप्स में, जहां सब प्रकार के प्रतिनिधि हैं, दूसरे मिनिस्ट्रीज के भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी हैं, पीडियाट्रिशियंस भी हैं और भी दूसरे जो वैक्सीन से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी दूसरे लोग हैं, सब लोग हैं, वहां प्रायोरिटाइज किया गया है। और इंटरनेशनली भी क्या ट्रेंड है, WHO की भी क्या गाइडलाइंस है, उनको भी अध्ययन किया गया है और उसके आधार पर अभी पहले जो 30 करोड़ लोग हैं, यानी पहले 30 करोड़ लोग में क्या है, पहला 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में भी या पब्लिक सेक्टर में भी, दूसरे 2 करोड़ लोग वो हैं जो कि दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे पुलिस की फोर्सेज हैं, पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं, हमारे मिलिट्री की फोर्सेज हैं या हमारे सैनिटेशन स्टाफ है कॉरपोरेशन के अंदर, जो लोग फील्ड में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, ये एक करीब 2 करोड़ लोग बैठते हैं। ऐसे ही हमने ये देखा कि 50 वर्ष से ऊपर के जो लोग थे, 80% जो लोगों ने कोविड में अपने प्राण गंवाए वो 50 साल की उम्र से ज्यादा के थे, 80%। तो ये 50 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को उस कैटेगरी में रखा है, ये करीब 26 करोड़ के करीब लोग बैठते हैं। और 1 करोड़ लोग अभी हमने रफ एस्टिमेट किया है, वो लोग हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं और शायद कम उम्र होने पे भी कोई ना कोई उनको शरीर में कोई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की, किडनी की या किसी भी प्रकार की कोई बीमारियां हैं। तो ऐसे अभी 30 करोड़ लोगों को प्रायोरिटाइज किया गया।